पिछले दो दिन से रामनगर मोती विहार में नाले में फंसी गाय को किया रेस्क्यू। नगर निगम, टोलफा की टीम और स्थानीय लोगों ने मशक्कत कर जलकुंभी में फंसी गाय को बाहर निकाला। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। रामनगर मोती विहार बाड़ी नदी के पास बने एक विशाल नाले में फैली जलकुंभी के बीच चारे की लालच में एक गाय जा फंसी। दो दिन से गाय नाले में फंसी हुई है, जिसे मंगलवार को स्थानीय लोगों के सहयोग से टोलफा की टीम और नगर निगम की टीम ने मिलकर रेस्क्यू किया। इस मौके पर निवर्तमान पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत के द्वारा बुलवाई गई नगर निगम की टीम और सफाई कर्मचारियों ने भारी मशक्कत कर स्थानीय लोगों के सहयोग से गाय को निकालने में कामयाबी प्राप्त कर ली। लगभग तीन घंटे तक चले इस ऑपरेशन को देखने के लिए मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। निवर्तमान पार्षद ज्ञानचंद सारस्वत ने बताया कि नगर निगम को कई बार जलकुंभी को हटाने के लिए निवेदन किया गया, लेकिन अभी तक इसे हटाया नहीं गया, जो यहाँ रह रहे लोगों के लिए खतरा बनी हुई है। उनका कहना है कि नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च करके DVD मशीन खरीदी है, जो जलकुंभी हटाने का ही काम करती है, जिसे सिर्फ आना सागर में ही चलाया जाता है, जबकि उससे बाड़ी नदी, आसपास के तालाब और नालों को भी साफ किया जा सकता है। परसों ये गाय इस जलकुंभी में कहीं गलती से कुछ चारे के लालच में या कैसे फिसल गई। फिसलने के बाद पता नहीं पड़ा, अभी सुबह लोगों को पता पड़ा, मेरे पास फ़ोन आया और पिछले तीन घंटे से नगर निगम प्रशासन का कांजी हाउस की टीम और टोलफा की टीम और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिलकर तीन घंटे कड़ी मेहनत करके इसको रेस्क्यू करके इस गाय को निकाला है। इसमें 3-4 फीट पानी है, लेकिन उससे बड़ी इसमें जलकुंभी हो गई है। कई बार नगर निगम को विभिन्न समाचार पत्रों ने, चैनलों ने, सब ने और हमने व्यक्तिगत तौर से निवेदन किया। अब तो नगर निगम के पास साधन है, DVD मशीन है लाखों रुपए की, उसका शायद ड्राइवर का भी खर्चा होता होगा, शायद मेंटेनेंस का भी खर्चा होगा। उसको सिर्फ आना सागर में दिखाने के लिए घुमाए जाते हैं कि प्रशासन के पास DVD है, उसका जहाँ उपयोग होना उपयोग नहीं होता है। इससे भी बड़ी बात है कि इस नाले को नदी को साफ करने के लिए इन्होंने एक यहाँ चैनल बनाया था, उस चैनल का एक वाल अगर खोल दिया जाए तो वो वाल खोलते ही ये सारा पानी आना सागर में सीवर प्लांट के माध्यम से अंदर चला जाएगा। लेकिन इतनी भी जहमत कोई नहीं उठा रहा है कि इस वाल को खोल दे, और अगर इनको मशीन नहीं उतारनी है, मान लो उसमें इनको कहीं लगता है कि कोई बुराई है, तो वाल खोल दे, जब पानी नहीं रहेगा तो सतही जलकुंभी सूख जाएगी। और उसके बाद नगर निगम की हमारी स्वास्थ्य टीम मजबूत है, वो JCB की मदद से, कर्मचारियों की मदद से इसका कचरे को साफ कर दिया जाएगा। गाय को निकाल दिया, मैं इसमें लगभग 50 आदमी लगे, नगर निगम की कांजी हाउस की टीम लगी, टोलफा की टीम लगी और दूसरे स्थानीय कार्यकर्ता लगे और मेरे वार्ड के सफाई कर्मचारी लगे। उन लग के कम से कम 50 जनों की टीम ने मिलकर इसको इस रेस्क्यू को अंजाम दिया और गाय को जिंदा बचाया। एडवोकेट अनिल चौधरी ने बताया कि यहाँ काफ़ी गहरा नाला है जिसे जलकुंभी ने ढक रखा है, जिसमें कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नाले के आसपास दीवार भी नहीं है, जिसके चलते कोई भी जानवर चारे की लालच में इसमें चला जाता है। गाय तो बड़ा जानवर था इसलिए दिखाई दे गया, छोटे जानवर तो इसमें दिखाई भी नहीं देंगे, इसलिए यथाशीघ्र इसे यहाँ से हटाया जाए। और क्या रहा पूरा भाई साहब? सर, ये दो दिन से गाय अंदर थी और जब लोगों को दिखी गाय तो लोगों ने सूचना दी, निगम वगैरह फ़ोन किया, टोलफा की टीम को भी फ़ोन किया, टोलफा की टीम वगैरह आई और उसके बाद यहाँ पर मतलब हम लोगों के आस पड़ोसी वगैरह सब ने अभियान में शामिल होकर के, हमारे पार्षद महोदय भी आए यहाँ और इसको बाकायदा यहाँ से सीढ़ियाँ वगैरह पास से मंगा करके इसको गाय को निकाला गया, रस्सियाँ वगैरह डाल करके, जो गाड़ी से टोचिंग कर करके, ये बड़ी जानवर था इसलिए बच गया, अन्यथा अगर यहाँ कोई छोटा बच्चा या कोई छोटा जानवर, कुत्ते वगैरह या कोई दूसरा होता तो शायद अभी तक मर चुका होता। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इस तरह इस साइड में अगर हम देखें तो यहाँ बाउंड्री वॉल भी नहीं बनाई हुई है, यहाँ दीवार वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई भी जानवर घास के लालच में या बच्चे खेलते वक्त अंदर गिर सकते हैं। तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि यहाँ से या तो पानी का निकास कराए जिससे कि ये जलकुंभी बढ़े ना और ख़त्म हो जाए सोते, और अन्यथा हटवाए। दो दिन हो गए सर जी, हाँ सुरक्षित निकली है गाय जी। ये रामनगर मोतीवार कॉलोनी है, मोतीवार के पास में ये पुष्कर रोड बाणी नदी वाली पुलिया है। क्या स्थिति बनी हुई है जलकुंभी को लेकर? जलकुंभी सर बहुत
ज़्यादा मात्रा में फैल गई है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा घनी है, तो यहाँ क्या है बड़े बड़े जानवर भी फंस जाते हैं। इंसान तो खैर है ही कि अगर इंसान का कोई बच्चा हो तो वो तो फंसना जरूर तय है। निगम के सफाईकर्मी अनिल ने बताया कि बड़ी मुश्किल से चाली बल्ली और सीढ़ियों का एक रैंप बनाया गया, जिस पर जान जोखिम में डालकर गाय को रस्सियों से बांधकर गाड़ियों से खींचा गया, तब कहीं जाकर घंटों की मशक्कत के बाद जलकुंभी में फंसी गाय को बाहर निकाला गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में निगम के सफाई कर्मचारियों की जान भी जोखिम में थी। यदि रैंप से कोई इसमें फिसल जाता तो गहरे दलदल में फंस सकता था। किस तरीके से गाय को अभी आप लोगों ने निकाला बाहर? गाय को हमने चाली बल्ली और छिड्डियों का उपयोग करा, उसके द्वारा दो आदमी हम गए नले में छिड्डी पे छिड़के, फिर हमने उसके गाय के सींग में रस्सी लगाई, फिर गाय को टोलपा द्वारा नगर निगम द्वारा गाड़ियों से हमने खींचा उसको, जब जाके गाय बाहर निकली। कितनी देर लगी गाड़ी? हमको गाय निकालने में कम से कम घंटा डेढ़ घंटे के करीब लग गया। रैंप बनाया हमने छिड्डी और उसका चाली बल्ली का, जब गाय निकली। कितना गहरा नाला है? घेरा है कम से कम अंदर 50 फुट घेरा, और वो तो पानी है इसमें ऊपर ऊपर, उसके ऊपर पत्ते हैं, उससे गहराई का पता नहीं चल रहा, बाकी गिर जाते तो हमारा भी बचना मुश्किल था, गिरते तो। किस तरह की सूचना मिली थी भाई? हमें तो नगर निगम द्वारा खबर आई थी, हम तो पिंजरे पे हैं, ज्ञान जी पार्षद के द्वारा हमें खबर मिली, फिर खबर पे हम तुरंत आ गए।